डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। डियर व्यूवर्स, अगर आप पार्ट टाइम ऑनलाइन जॉब हासिल करना चाहते हैं, ऑनलाइन वर्क करके अच्छे खासे पैसे कमाना चाहते हैं और महंगाई का मुकाबला, बेरोज़गारी का मुकाबला करने के लिए आप छोटी सी स्किल जो कि आप जानेंगे, इसे सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप कॉपी पेस्ट करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं या मेरे ऐसे दोस्त अहबाब बहन भाई जो के पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, तो आज ये स्किल, ये टेक्निक उनके लिए है। वीडियो स्किप किए बगैर देखेंगे तो तमाम मालूमात समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमने जाना है, गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम को ओपन कर चुके हैं हम, और ओपन करने के साथ सबसे पहले मैं आपको फाइवर पर लिए चलता हूं। फाइवर पर आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं फाइवर पर कर्सर को लेकर जा रहा हूं। फाइवर पर हम आ चुके हैं इस वक्त, और यहां पे आप देख सकते हैं सीवी राइटिंग। सीवी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी स्किल है। अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको ये स्किल नहीं आती, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम स्किल मैं आपको बता दूंगा, जस्ट आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल भी हो तो काम चल जाएगा। तो व्यूवर्स, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये तमाम वो लोग हैं जो सीवी बनाकर देते हैं। अब ये कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं, इनकी क्या टर्म एंड कंडीशन है, कैसे ये कर रहे हैं, जितनी भी गिग्स हैं तमाम के तमाम यहाँ पे पूरी दुनिया से सीवी के लिए यानी रेडी हैं, और ये सीवी राइटिंग का, सीवी मेकर का काम करते हैं। आप देख सकते हैं सबसे लो जो कैपेसिटी में सीवी बनाकर दे रहा है, 1200 पाकिस्तानी 44 रुपए में ये यानी कि चार्ज कर रहा है। इसी तरीके से यही नहीं, आप इनके आगे भी देख सकते हैं कितने लोग मौजूद हैं। नेक्स्ट पेज हम इसका करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मौजूद हैं। लेवल टू सेलर मौजूद है जो कि 26,111 रुपए चार्ज कर रहा है एक सीवी के बनाने में। अब आप समझते होंगे कि एक पेज, दो पेज या फिर तीन पेज की सीवी रेडी करने पर इतनी हैवी अमाउंट मिल जाती है। तो जी हाँ, आपको ऑथेंटिक और मुस्तनद प्लेटफॉर्म पर इस वक्त मैं यानी कि दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले इनका तारुफ देखते हैं, 4,974 रुपये इसमें ये सीवी तैयार करके दे रहा है, जबकि जो यानी कि टॉप पे है वो इस वक्त 19 आर्डर इसके बाद इसके पास पेंडिंग है, इसके बाद 3 है, इसके बाद यानी यहाँ पे आ जाएँ 6,217 रुपये, ये 264, ठीक है ना। और इसके अलावा 9,947 रुपये नीचे की तरफ आते हैं, तो इस पर 50 आर्डर, और ये 4.8 रैंकिंग में यानी कि सेलर है, और यानी कि इसकी गिग वैल्यू है। और आप देख सकते हैं तमाम के पास भी आर्डर हैं, और सबसे जो कम रेट में बनाकर दे रहा है जो वो भी 1200 से कम नहीं बना रहा, 1200 यानी के कुछ रुपीस हैं, 12,400 में भी ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 12,434 रुपये में भी ये क्रिएट कर रहा है, और 9,000, 10,000, 2,000, 5,000 जितना भी आप रख सकते हैं इसका रेट मुकर्रर कर सकते हैं। और इसी तरीके से काफ़ी सारे यानी के आर्डर लोगों के पास अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। तो ये तमाम काम कैसे कर सकते हैं, आप किसी भी किसी गिग को आप खोलकर किसी के अकाउंट प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये 6,217 रुपये सिर्फ ले रहा है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड और इसके प्रीमियम में और अमाउंट अलग अलग है। ये बांग्लादेशी है, आप देख सकते हैं एक साल पहले यहाँ पर यानी कि आया और 231 ऑर्डर कम्प्लीट कर चुका है, ये लड़की है, ठीक है ना। और यहाँ पे यानी कि आप देख सकते हैं ये तमाम इसकी गिग भी पढ़ सकते हैं आप भी इसी तरीके से। हाय देयर, दिस इज ए सबता सलीम, और आई ऑनलाइन कैरियर कोच एंड 7+ ईयर एक्सपीरियंस, ये देख लें आप, ये तमाम चीज़ें इसने लिखे हैं। बेसिक स्टैंडर्ड का इसका अलग अलग रेट भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। स्टैंडर्ड में 12,000 कास्ट कर रही है, और इसी तरीके से प्रीमियम में भी 17,408 रुपए ही ले रही है। इस तरीके से आप भी ये काम करके ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने करना हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जाना है गूगल पर, गूगल पर न्यू टैब ओपन करनी है,
और यहाँ पे सीवी मेकर ऑनलाइन लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी कि सीवी क्रिएट करने के लिए ऑटोमेटिक आपने डाटा सबमिट करना है, और डाटा सबमिट करने के बाद आप जो है ना ये तमाम चीज़ें ले सकते हैं, सीवी बना सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट माई रिज्यूम के ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट रिज्यूम, और आपने बस आगे डाटा देते जाना है। यहाँ पे डाटा कैसे देना है ये भी आपके सामने ओपन हो रहा है। जैसे ही आपके सामने ओपन होता है तो आप देख सकते हैं इस तरह की पीडीएफ प्रोफाइल आपके सामने पड़ी। अब यहाँ पे आ जाना है नेक्स्ट में, यहाँ पे क्रिएट योर सीवी, ठीक है ना। क्रिएट योर सीवी नाउ के ऑप्शन को आपने कर लेना है यहाँ पे। अब दोबारा से मैं इसको हाईलाइट ही कर देता हूँ, आप देख सकते हैं क्रिएट नाउ के ऑप्शन को आपने चूज़ करना है। क्रिएट नाउ के ऑप्शन को आपने चूज़ करने के बाद आपने यहाँ पे न्यू या आपका कोई ऑलरेडी प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है तो आपने वो करना है, अदरवाइज आपने यहाँ पे नो कर देना है। तो यहाँ पे आपने देखें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपने फुल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, श्योर नेम, और उसके अलावा आपने प्रोफेशनल, प्रिवेंस, स्टेट, सिटी, सिटी, कंट्री यानी कि ये देना है, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ यानी कि अपना कंट्री सेलेक्ट करना लिख लेना है, और साथ ही साथ अपना एक्टिव ईमेल लिखना है। एक्टिव ईमेल के साथ अपना एक्टिव फ़ोन नंबर देना है, ठीक है, और लिंक्डइन एड्रेस या सोशल मीडिया एड्रेस को ये करना है, और नेक्स्ट प्रीवियस आपने करते जाना है। यहाँ पे करेक्शन का भी ऑप्शन दिया जाता है। साथ ही अगर यहाँ पे आते हैं तो ये भी एक सीवी ऑनलाइन, यहाँ पे आपने अपना फ़ोटो देना है, टेक अ फ़ोटो गैलरी से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है, एल्बम मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे गिवन अ नेम कर देना है, ठीक है। और नेम देने के बाद यहाँ पे फैमिली देनी है, और साथ ही साथ एक्टिव ईमेल एड्रेस देना है, लैंडलाइन नंबर यानी कि हेडलाइन देनी है, हेडलाइन के बाद फ़ोन नंबर एक्टिव जो हो वो आपका यहाँ पे लिखा जाएगा। साथ ही साथ आपने ईमेल एड्रेस भी यानी कि देनी है, और इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ है, डे मंथ यानी मंथ डे, और इसके बाद आपने देना है ईयर। कुछ मुश्किल नहीं है। डिवीज़न लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस देना है, आपने अपने सिविल स्टेटस लिखना है, लिंक्डइन का एड्रेस देना है, सोशल मीडिया अकाउंट टाइटल वगैरह हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग आपने सिर्फ जस्ट ये जो पूछे गए कॉलम है इनमें फिलअप करने जाने हैं, और नेशनैलिटी देनी है, वेबसाइट, डेट ऑफ बर्थ और तमाम चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपने ये तमाम चीज़ें देने के बाद आपने यहाँ पे यानी कि मेल फीमेल लिखना है, नेशनैलिटी लिखनी है जो, ठीक है ना, या फीमेल लिख दे जो भी हो आपका हो आपने लिखना है। इसी तरीके से आपने तमाम तर चीज़ें सबमिट करने के बाद क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट और एक्सटर्नल एक्टिविटी और उसे डाउनलोड का ऑप्शन करना है, और आपकी लाइब्रेरी में यानी कि आपकी गैलरी में फ़ोन हो या कंप्यूटर, पीसी हो, डाउनलोड फोल्डर में जाकर आप अपने सीवी को यानी कि प्रिंट निकालें और चलिए जाइए किसी भी फोटोकॉपी मशीन से आप प्रिंट ले सकते हैं। आपके पास अगर ऑफिस है तो वहाँ पे प्रिंट निकलवा सकते हैं, या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे आपको फैसिलिटी मैसर हो, तो अपनी सीवी अगर आपने ऑनलाइन सेंड करनी है तो भाई मेरे आपको प्रिंट लेने की ज़रूरत ही नहीं, आप जस्ट फॉरवर्ड उसकी मेलिंग एड्रेस और दिए गए यानी कि अकाउंट पर सेंड करें और जॉब के लिए अप्लाई करें, या फिर आपने फाइवर पर ये प्रोजेक्ट देना है तो क्लाइंट को फिल फॉर भेजिए जितनी मरतबा चाहे, आप इसमें एडिट का ऑप्शन ले सकते हैं, प्लस के ऑप्शन को आप चढ़ते जाएं, और इसमें कुछ ऐड करना है या रिमूव करना है तो आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।